आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। महामहिम राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा तैयारियां पूरी। गीता प्रेस, एयरपोर्ट, गोरखनाथ मंदिर और सर्किट हाउस होगा नो फ्लाई जोन। 4 जून को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर आ रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय जहां गोरखपुर के गीता प्रेस में शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे, वहीं गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ के दर्शन के बाद लाइट व साउंड शो भी देखेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन अंतिम तैयारियों में जुटा है। राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम के मद्देनज़र शुक्रवार को एनएक्सी भवन में बैठक की गई। वहीं जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस तक तैयारियों का रिहर्सल किया। 4 जून एक बार फिर गोरखपुर के लिए खास होने जा रहा है। यहाँ के गीता प्रेस शताब्दी समारोह में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होने 4 जून को आ रहे हैं, जिसको लेकर गोरखपुर में तैयारियां पूरी हो गई हैं। अगर राष्ट्रपति के कार्यक्रम की बात करें तो लगभग 12:45 पर वो गोरखपुर आएंगे और सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद 5 बजे जो है वो गीता प्रेस पहुंचेंगे और वहां शताब्दी समारोह का जो उद्घाटन होगा उसमें सम्मिलित होंगे। वहां 1 घंटे रहने के बाद गोरखनाथ मंदिर आएंगे। गोरखनाथ मंदिर में लगभग 1 घंटे वो रहेंगे। 6 बजे आएंगे यहां और 6 से 7 बजे तक उनका यहां कार्यक्रम है। बाबा गोरखनाथ के दर्शन करने के बाद साउंड एंड लाइट प्रोग्राम जो है यहाँ पर आयोजित होता है उसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ से सर्किट हाउस के लिए निकल जाएंगे। सर्किट हाउस में 10-15 मिनट विश्राम करने के बाद वो सवेरा चले जाएंगे। वहाँ पर थोड़ी देर रहेंगे, उसके बाद रात्रि विश्राम जो है वो सर्किट हाउस में करेंगे और सुबह 5 तारीख की सुबह महामहिम राष्ट्रपति 8:30 पर मगहर के लिए निकल जाएंगे। कैमरा सहयोगी संतोष के साथ पंकज श्रीवास्तव, अमेज नाउ, गोरखपुर। सड़क किनारे बने घर में घुसा तेज रफ्तार डंपर, 3 मौतें। गोरखपुर महानगर के भीतर तेज रफ्तार डंपर चालक को आई जरा सी झपकी ने 3 जिंदगियों को अपनी आगोश में ले लिया। घटना कैंट थाना अंतर्गत पैडलेगंज चौराहे का है। सुबह करीब 3 बजे तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने सड़क किनारे सो रहे गंगाराम, शैलेंद्र और डिवाइडर पेंट कर रहे अर्जुन समेत 5 को कुचल दिया, जिनमें 3 की मौत हो गई, जबकि सिद्धार्थ नगर निवासी राजेश व हरदोई के रहने वाले कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि डंपर पेड़ से टकरा कर पलट गई। घटना के संबंध में मृतक शैलेंद्र व गंगाराम के परिजनों ने बताया कि सोते समय ये हादसा हुआ, किसी को समझ नहीं आया। पुलिस ने डंपर समेत चालक को हिरासत में ले लिया है। अभी भी खबर मिली है कि राज्य सरकार द्वारा मृतक परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता जिलाधिकारी के माध्यम से दे दी गई है। कि ये सारा कांड हुआ, गिरा और हम लोग टूट गए, बच्चे भी उठ गए, पूरा चौक गए। हम लोग जब ताला खोल बाहर निकले तो ये सब जो रोड पे सोते हैं ये सब चिल्लाने लगे पूरा, तो उसमें जो है कि 2-3 लोग की शायद मौत होगी खींच के। और 3:30 बजे बाद एक खुद आदमी, कौन सी गाड़ी थी? और ये डंपर था। अच्छा, डंपर क्या पलट गई पूरी? पूरी पलट गई। मकान हुआ जिसमें कि डंपर सड़क छोड़कर पास की खाई में उतर गया। इस घटना में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 2 घायल हुए हैं। जो घायल हैं उनकी स्थिति अभी ठीक है। जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। फिलहाल उनको, तीनों मृतकों को, प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए दिए गए हैं। और मैंने और जिलाधिकारी महोदय ने मौके पर जाकर घायलों से मुलाकात की है और जो घटनास्थल है वहाँ पर जाकर उनके परिवारजनों से वार्ता कर सभी प्रकार की सहायता देना ये आश्वासन दिया है उनको।
और इसमें जो अभियुक्त है ड्राइवर वो गिरफ्तार हुआ है, उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। जो डंपर है उसको मौके से हटवा कर कब्जे में लिया जा रहा है और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। 15 दिवसीय बाल स्वर समर कैंप का हुआ समापन। गोरखपुर के आर्यनगर इलाके में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में बाल स्वर द्वारा आयोजित समर कैंप का शुक्रवार को समापन हो गया। 15 दिनों तक चलने वाले इस कैंप में कुशल प्रशिक्षकों द्वारा नृत्य, कराटे, गायन, पेंटिंग सहित अन्य प्रतियोगिताओं का प्रशिक्षण दिया गया। समापन अवसर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही अन्य विधाओं की प्रस्तुति की। इस मौके पर बच्चों को सम्मानित भी किया गया। इस संबंध में बाल स्वर के अध्यक्ष अंचित तिवारी ने कहा कि बाल स्वर समर कैंप के माध्यम से बच्चों में छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। वहीं संरक्षक भजन गायक नंदू मिश्रा ने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, यही हमारा प्रयास है। प्रशिक्षकों द्वारा और आज ही इसका समापन हो रहा है, जिनमें बच्चों ने जो भी विधा सीखी है, वो नृत्य की हो, कराटे की हो, इंग्लिश स्पीकिंग की हो, कला की हो, ये सारी विधाओं का यहाँ पे प्रदर्शन बच्चे दे रहे हैं। ये भव्य रूप का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें महामंडलेश्वर गोरखपुर आज हमारी मुख्य अतिथि हैं और उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया है। हम शिवजी सिंह जो संस्थान प्रमुख हैं विद्या मंदिर, उनका धन्यवाद देते हैं जिन्होंने जिनके सहयोग से ही ये समर कैंप सफल हो पाता है। उनका सहयोग और आशीर्वाद बालेश्वर के पूरे परिवार को हमेशा मिलता था। वृक्ष का रूप ले चुका है, 25 वर्ष हो गया, 25 वर्ष बहुत होते हैं और 25 वर्ष में बच्चों के अंदर जो निखार आई है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बच्चे बालेश्वर सेवा संस्थान के माध्यम से पहुंचे हैं। कला के माध्यम से, शारीरिक क्षमता के माध्यम से, कराटे जूडो के माध्यम से बहुत दूर दूर तक बच्चे गए हैं और मेरी शुभकामना है बच्चों के ही लिए निमित्त हम लोग ये कार्य करते हैं। 25 वर्षों से अनवरत छोड़ा नहीं कभी, कोविड काल में 2 वर्ष का गैप हुआ लेकिन हम लोगों ने कभी अनवरत बच्चों के लिए किया, उनकी बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए हमने हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम किया है। और मैं आप सबके माध्यम से पूरी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि बाल स्वर बच्चों की आवाज़, बाल स्वर का मतलब ही बच्चों की आवाज़, बच्चे जो चाहते हैं वो हम करते हैं, उनकी क्षमता को निखारते हैं। बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतनी क्षमता है लेकिन उनको निखारते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, कौन सा बच्चा क्या चाहता है, क्या कर सकता है। और बच्चों की निखार आप देख ही रहे हैं अपनी आंखों से, सांच को आंच नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और मैं कहना चाहता हूँ कि माता पिता जितने भी हैं बाल स्वर से जुड़कर अपने बच्चों के कला को, संस्कृति को निखारें। और संस्कार बाजार में नहीं मिलता, परिवार में या गुरुओं से मिलता है। तो हम लोग संस्कार बांट रहे हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार। तो विश्व साइकिल दिवस पर गोरखनाथ मंदिर से निकली साइकिल रैली, सदर सांसद रवि किशन ने दिखाई हरी झंडी। विश्व साइकिल दिवस पर नेहरू युवा केंद्र और युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल द्वारा गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर से साइकिल रैली निकाली गई। रैली को मुख्य अतिथि रवि सांसद किशन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सांसद रवि किशन ने कहा कि साइकिल चलाने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और सुबह शाम हर व्यक्ति को साइकिल जरूर चलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेशों में लोग टाई सूट पहनकर ऑफिस साइकिल से ही जाया करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि साइकिलिंग से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। थोड़ा सा बच्चों को दिखा देंगे, पीछे चलिए ना, बच्चे दिखाएंगे। हम आपको योगी महाराज जी द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा, हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसको बहुत तरीके से हमारे फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा दे रही है क्योंकि हमारे बच्चे ने बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल्स आए थे। पिछले साल जितने मेडल्स आए इस देश में 75 साल में कभी नहीं आए थे। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए आज मैं साइकिल डे पे, मैं सांसद रवि किशन शुक्ल, साइकिल मैं स्वयं भी चलाता हूँ और मैं सब पूरे समस्त भारत को और गोरखपुर मंडल को, गोरखपुर को, मेरे संसदीय क्षेत्र को, यंग्स को, ओल्ड को, लेडीज को, सबको मैं निहोरा करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कृपया आप लोग फिटनेस पर भी ध्यान दें, साइकिल चलाएं। प्रदूषण एक तो दूर होता है, पेट्रोल डीजल का से बचत होती है, आपके पैसे भी बचते हैं, शरीर भी बचता है, स्वास्थ्य भी स्ट्रांग रहता है। फॉरेन कंट्री में ये बहुत साल पहले ये प्रथा आ चुकी थी, वहाँ आप अक्सर देखेंगे लोग साइकिल पर चलते हैं, ऑफिस भी जाते हैं टाई सूट पहने हुए भी, तब भी साइकिल पर जाते हैं। तो कोशिश करें आप लोग सवेरे ज़रूर साइकिल चलाएं, शाम को ज़रूर साइकिल चलाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जिए।
आत्मदीप विद्यालय सिक्टौर नियर देवरिया बाईपास गोरखपुर। सवा एकड़ में फैले इस विद्यालय का वातावरण बेहद ही नैसर्गिक। यहाँ प्लेवे से लेकर 12वीं तक के बच्चों की CBSE पैटर्न पर अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा दान। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना विद्यालय का उद्देश्य। दो भवनों के बड़े बड़े और हवादार कमरों में ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी द्वारा ज्ञानार्जन। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मेंटर, संगीत साधक और कुशल खेल प्रशिक्षक उपलब्ध। शानदार तकनीकी युक्त ऑडिटोरियम जहां होता है विचारों का आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा। प्रायोगिक ज्ञान के लिए अत्याधुनिक और सुसज्जित प्रयोगशालाएं। आत्मदीप विद्यालय सिक्टौर नियर देवरिया बाईपास। संपर्क करें 9935703444 और 8853210002। वाणी मोबाइल बलदेव प्लाजा गोलघर गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो, ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएँ उपलब्ध। मोबाइल नंबर 9186874190008। गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत दिवस पर गोरखपुर स्थित गुरुद्वारे में शबद कीर्तन, लंगर और रक्तदान का हुआ आयोजन। गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत दिवस पर गोरखपुर के मोहद्दीपुर इलाके में स्थित गुरुद्वारे में शबद कीर्तन सभा और लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समाज के साथ ही अन्य धर्म के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र को मिली अमेजॉन कंपनी में 45 लाख का पैकेज। पिता पुलिस महकमे में है आरक्षी। गोरखपुर में एक बार फिर सिपाही पुत्र ने परचम लहराया है। SSP के ड्राइवर फूलदेव यादव के बेटे अभिषेक यादव को अमेजॉन कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद पर 45 लाख के पैकेज पर हायर किया गया है। अभिषेक गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में BTech की पढ़ाई कर रहे हैं। इस संबंध में SSP विपिन टाड़ा ने परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अच्छी परवरिश के कारण ये कामयाबी मिली है। इसमें हमारे आरक्षी चालक हैं, उनके सुपुत्र को अमेजोन की तरफ से 45 लाख रुपए के पैकेज पर उनको हायर किया गया है और ये काफ़ी अच्छा विषय है कि इन्होंने काफ़ी अच्छी परवरिश और शिक्षा अपने बच्चों को दी, जिससे कि वो कंप्यूटर साइंस में अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के दौरान ही कंपनी का जब कैंपस इंटरव्यू हुआ उसमें उनकी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर अमेजोन ने उनको 45 लाख के पैकेज पर लिया है। ये इससे पूरे पुलिस परिवार में हर्ष का एक माहौल है और ये दूसरों के लिए भी एक उदाहरण है कि सभी लोग प्रयास करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। बस्ती जनपद में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, बेटी ने खोला राज। बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के तुलसीपुर दरियापुर जंगल में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को अपनी बेटी के ही सामने गला काटकर मौत के घाट उतार दिया और शव को बोरे में छिपा दिया। ये वारदात एक सप्ताह पहले हुई थी। बेटी ने जब इस वारदात का एक हफ्ते बाद खुलासा किया तो हड़कंप मच गया। तुलसीपुर दरियापुर जंगल निवासी रामफेर गुप्ता ने तहरीर देकर बताया कि उनका छोटा भाई नंदलाल गुप्ता 25 मई 2022 की शाम को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने कमरे में सोया था। सुबह उसकी पत्नी कंचन ने बताया कि नंदलाल रात में झगड़ा कर दिल्ली चले गए। जब परिवार के लोगों ने नंदलाल की 8 वर्षीय बेटी नंदनी से बात की तो वो बोली, मम्मी ने अपने दोस्त को घर पर बुलाकर पापा का गला काटकर उन्हें मार दिया। ये सुनकर सब सन्न रह गए। घटना की तहरीर मिलने पर पुलिस ने नंदलाल की पत्नी कंचन से पूछताछ की। कंचन ने पुलिस को बताया कि मेरा नासिर से शादी के पहले से संबंध था। इसकी जानकारी नंदलाल को हो गई थी। 25 मई की रात में नासिर को फ़ोन करके घर पर बुलाया और उसने गला काटकर नंदलाल को मार डाला। शव को बोरे में भरकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने आरोपी नसीर की तलाश के लिए कई टीमें गठित की हैं। अभी तक पुलिस शव को बरामद नहीं कर सकी है। पहले चाकू कमरिया काट दिए थे। कौन काटा था? नासिर।
नासिर, और उस समय कौन कौन था तुम्हारे पापा के पास? नासिर, माँ, मम्मी। तो तुम्हारी मम्मी भी थी, तुम भी वहाँ थी? हाँ, बगल में खड़ी थी। अच्छा, जब काट रहे थे तो तुम खड़ी थी। तो मम्मी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, बाद में कहा था। क्या कहा था? छोटे भाई की हत्या हो गई है, जिसके आधार पर थाना सोनार पर मुकदमा अपराध संख्या 102/22, धारा 302, 201 व 34 IPC विरुद्ध मृतक की पत्नी कंचन देवी व उसका प्रेमी नासिर के विरुद्ध दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अपनी स्थापना के 75वें वर्ष पर ABVP के सदस्य 2,00,000 गांवों में फहराएंगे तिरंगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की 3 दिवसीय बैठक शिमला में 29 मई को समाप्त हुई, जिसमें गोरखपुर से भी 6 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गोरख प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि इस बैठक में जो भी लक्ष्य और कार्य योजनाएँ तय हुई हैं, उन्हें परिषद पूर्ण रूप से लागू करने में पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि परिषद का 75वें वर्ष में प्रवेश के दौरान परिषद के सदस्य 2,00,000 गाँवों में जाकर तिरंगा फहराएंगे। मैं और आपको बता दूं कि 4 ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी हमने पारित किया। जो सबसे पहला प्रस्ताव था वो था हमारा राज्य विश्वविद्यालयों में राज्य सरकारों का जो बढ़ता हुआ हस्तक्षेप है, इसका पुरजोर तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करता है। दूसरा ये कि इससे संस्थानों को जो स्वायत्तता में जो कमी है, इसको लेकर के हमारा संशय लगातार बना हुआ है। इसलिए हम पूरी तरह से राज्य सरकारों के हस्तक्षेप को हमने नकारा है। दूसरा प्रस्ताव हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर है, जिसमें पूरे भारत भर के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा अन्य जितने भी परिदृश्य हो सकते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की गई। कानपुर में राष्ट्रपति की फ्लीट में लगे 2 वाहन आपस में टकराए। कानपुर में राष्ट्रपति की फ्लीट में लगे 2 वाहन आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन फ्लीट में लगी इनोवा और एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन टकराने के कारण पूरे कंपनी पुल पर करीब 20 मिनट तक जाम लगा रहा। मौके पर पहुंची कानपुर पुलिस ने काफ़ी मशक्कतों के बाद वाहन हटवाकर जाम खुलवाया। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।